हे गाइस, दिस इज सुफियान खत्री, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जावेद भाई, इनको पहचानते हैं, लास्ट टाइम के वीडियो में थे मेरे साथ, निशान भी था, कैमरामैन मेरा, और ये मेरा नया फ्रेंड उबेद। मतलब वीडियो के अंदर नया फ्रेंड है, ओके, न्यू फ्रेंड आया है वीडियो के अंदर। काफी साल से हम मार्शल आर्ट्स में हम सब साथ में ही किए, तो एक मिनट है, एक मिनट। सबसे पहले जावेद से एक फिटनेस हब, निशान इकबाल पिरानी, निशान टेंगल को तो भी आ जाएगा, और तो जानते ही हो, फेवरेट नाइट। हम लोग तीनों का चैनल है, बेसिकली मेरा और इसका व्लॉग्स का है। हम लोग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं और मस्ती करते हैं बहुत सारी। जावेद भाई का फिटनेस का चैनल है, तो आपको फिटनेस से रिलेटेड सब कुछ इसमें मिलेगा, नॉट लाइक सुफियान खत्री, बट जावेद शेख का जो है थोड़ा अलग है, ठीक है, तो वो भी सब्सक्राइब करो, अलग कुछ आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं कर, हम दोनों का भी अलग अलग ही है, सेम सेम नहीं है। तो तीनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, मेरे को बात कर लेंगे, तू गंदा बोलता, तीनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नीचे मिल जाएगा, नीचे के सब्सक्राइब कर देना आपको, और कर देना प्लीज, डरा रहे तो आज हम कुछ रियल लाइफ के बारे में जानेंगे कि रियल इंसिडेंट अगर होता है इंडोर में, इन फ्यूचर कोई हमें अटैक करने आता है घर के अंदर, अगर कुछ हुआ तो वो किस तरह से हम अपने आप को डिफेंस कर पाएंगे। एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि कोई अननोन पर्सन आ गया था, अभी पता नहीं कौन है, पड़ोसी भी हो सकते, लेकिन ऐसा हुआ कि कोई अननोन पर्सन आ गया और अचानक डोर को नॉक करने लगा, और डोर नॉक किया तो उसकी मॉम ने खोला, तो अचानक धक्का दिया, इंजर्ड किया उनको, सर पे कोई वेपन से या टूल से किसी से अटैक किया, और फिर वार्डरोब की तरफ निकल गया चोरी करने के लिए। और जो मेरा फ्रेंड था जिसकी मॉम के साथ ये हुआ, तो मैं फ्रेंड था बेडरूम में और डोर लॉक करके रखे थे, तो अचानक उसकी मॉम आ गए और फिर उसको बोले कि तू बाहर निकलना नहीं, बाहर चोरी हो रही है, चोर आया है। वो टाइम पे अभी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसकी मॉम भी इंजर्ड हो गए थे, और वो बंदा चोरी किया और फटाक से निकल गया, और दिमाग ये चला मैं फ्रेंड का कि बाहर से चिल्लाए कि चोर आया करके, लेकिन सीन ये हुआ कि भाई उसने चोरी करा, बाहर निकल गया, भाग गया, बाद में फिर पब्लिक आई, तो बोले यार क्या हो गई, पुलिस की तरफ सीन ये हुआ। तो मेरे हिसाब से तो इसकी मॉम को ये करना चाहिए था कि अगर कोई हार्ड चीज़ रहती है या फिर कोई नज़दीक में कोई चीज़ अगर मिल जाए तो वो अगर थ्रो करते इंजर्ड कर सकते सामने वाले को, तो शायद से चोरी होने से बच सकते थे, और शायद उनको लगता नहीं था, अगर पब्लिक जल्दी आ सकती थी डोर, अगर इंजर्ड नहीं होते इसकी मॉम तो डोर ओपन करके किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे। कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि चोरी हो गई, वो टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है, एक तो ये रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई जो भी अपने पास हार्ड चीज कुछ है, अपने आप को डिफेंस करो, सामने वालों को मार के इंजर्ड करो, कॉन्टेक्ट में मत जाओ, मतलब कॉन्टेक्ट में मत जाओ, दूर रहो, ताकि अपने को कुछ नहीं हो, सामने वाले को मतलब इंजर्ड भी हो जाए और फिर बाद में हेल्प के लिए बुला सके। और एक ये चीज कर सकते थे, अगर उनका अगर बेटा नहीं होता तो बाहर जाके डोर लॉक कर सकते थे, ताकि वो अंदर फंसा रहे तो उन बुला सकते कि भाई अंदर चोर आया है, कि उसमें ना मेन एक ये भी रहता ना कि मतलब दिमाग चलना चाहिए, डर के मारे ना दिमाग चलता नहीं, डर को दिमाग में नहीं आना चाहिए, डर को अगर दिमाग में ले लिया ना तो फिर तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि अपने लोगों ने उसमें माइंड अपना, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो डरना नहीं चाहिए, अपना खुद के डर पे पहले कंट्रोल करना चाहिए, सबसे पहली चीज ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि खुद के डर पे कंट्रोल करो तभी माइंड चलेगा। अगर एकदम डर गए हम लोग तो माइंड नहीं चलता है उसके, तो अगर डर पे हम लोग कंट्रोल करते हैं उसके बाद में, जैसा कि सुशांत ने बताया कि हम लोग ये चीज कर सकते थे, कोई हैवी चीज लेके मार सकते थे या उसको अंदर लॉक कर सकते थे, अगर बच्चा है तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अकेले होते तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम लोग बाहर अंदर से, मतलब बाहर आकर उसको अंदर लॉक कर दो, तो फिर बाहर से तो अपन कर सकते थे। आपके दिमाग में क्या चलता है तो आप कमेंट करके बताओ। मैं जावेद भाई से पूछना चाहता हूँ कि जावेद भाई अगर आपके साथ ऐसा अगर होता तो आप क्या करते थे। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा मेरे घर में, मतलब मेरे दरवाजे के पीछे एक बाम्बू या फिर ऐसे कोई चीज रखता हूँ, ताकि जो फटक से मेरे हाथ में आ जाए और मैं उससे मतलब अटैक कर सकूँ। लेकिन अगर
कोई अननोन पर्सन तो मैं जैसे आपको बताया कि कोई भी हो सकता पड़ोसी, लेकिन वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे भाई ये वो बंदा है कि क्या चोर है? कि मैं हमेशा रखता हूँ नहीं, ये तो मेरी आदत है कि मैं मेरे सेफ्टी के लिए, मतलब मेरे घर की सेफ्टी के लिए मैं ये चीज को अपनाता हूँ, और मैं औरों को भी ये चीज बताऊंगा कि अपनी सेफ्टी के लिए अपने आस पास अपने हाथ में जो चीज जल्दी आ जाए वो अपने पास रखे हमेशा, मतलब क्योंकि बुराई बोलकर नहीं आती है और हर चीज मतलब बोलकर नहीं आती है, तो अपनी सेफ्टी रखे घर के अंदर दरवाजे के पीछे या आपको जहां भी नजदीक हाथ में आपके हाथ में आ जाए और आप अटैक कर सको, अपने आप को बचा सको, अपनी फैमिली को बचा सके, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहला। तो उसके बाद तो अगर डंडा आपको मिल गया और चोर अगर है तो फिर जाहिर सी बात है वो बचेगा नहीं, तो अटैक गणेश। ओके तो जिशान से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिशान अगर तेरे साथ अगर ऐसा होता तो तू क्या करता? मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि जावेद भाई की आइडिया बहुत अच्छी है, मैं आगे से यही चीज करूंगा। तो ऐसी कुछ चीजें मेरे भी घर पे है वेपन, बट मैं क्या डोर के पास नहीं, मैं अपने बेडरूम में कवर्ड वगैरह में रखता हूँ, तो सेफ्टी के लिए काफी चीजें ऐसी है वो भी मैं भी रखता हूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा कोई हो जाता है अचानक में आता है तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि मैं चिल्लाऊंगा। सबसे पहले मैं यही करूंगा कि मैं चिल्लाऊंगा, चाहे घर में कोई हो चाहे ना हो मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मेरी आवाज जाहिर सी बात है मेरे घर से बाहर भी तो जाएंगी थोड़ी बहुत, तो उनके अंदर जाए तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां से मुझे हेल्प मिल जाए, ठीक है। और अगर मैं सेल्फ डिफेंस करता हूँ, मैं हूँ मार्शल आर्टिस्ट, अगर मैं सेल्फ डिफेंस करता हूँ तो मैं अपने आप को डिफेंस करना चाहता हूँ, तो मैं उस टाइम पे उस सिचुएशन वो जिस तरीके की रहेगी उस हिसाब से अपने आप को डिफेंड करूंगा और फिर सामने वाले को मैं डकडाउन करूंगा और बाद में फिर पुलिस वगैरह के लिए मैं कॉल करूंगा। ओके, जिशान ने जैसा अपने बारे में बताया कि अगर मैं अगर वो टाइम पे सिचुएशन अगर ऐसी रहती तो मैं क्या करता, अब मैं उबेद से पूछता हूँ, अगर उबेद वो टाइम पे अगर तेरे साथ अगर ऐसा होएगा तो तू क्या करेगा? मेरा तो देखो ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हर चीज में रियलिस्टिक जो रियल लाइफ होता है ना उसमें मार्शल आर्ट काम ज्यादा नहीं आता, क्योंकि मार्शल आर्ट सिर्फ फैंसी आर्ट है, मतलब उस तरह से वो मूव करना ये करना वो हर जगह काम नहीं आता। और मैं मेरी बात क्यों करूँ, मेरे घर पे मैं हमेशा रहूँ ये जरूरी नहीं, मेरे घर पे मेरा छोटा भाई रह सकता है जिसको मार्शल आर्ट्स नहीं आता, मेरी मम्मी मेरी बहन वो लोग भी रहते हैं जिनको मार्शल आर्ट्स नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ना मेरे से, तो वो क्या करेंगे, मैं उन्हें ये सलाह देता हूँ और मैं उन्हें ये बताता भी हूँ समझाता भी हूँ कि देखो इंसान जिससे हमें लड़ना है अगर फिजिकली हो जाए, पहले तो आपको मालूम पड़ेगा कि फिजिकली नहीं होना है, बंदे से हमेशा दूर दूर रहना है क्योंकि वो आपको ओवर पावर ओवर सब क्या बोलते उसको, मतलब आपको ना ज्यादा ओवरवेलम ना हो जाए बंदा, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा दूर ही रहना चाहिए। बट अगर वो क्लोज आकर आपको पकड़ लेता है और पकड़ कर आपको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई लड़का होगा ना और लड़का उसके लेवल में भी अगर होगा ना, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे संग तो कभी हुआ नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो सबको छोड़ छाड़ कर चोरी करने से पहले सोचे, औरत को कैसे उसको एक दो लाफा मारा तो औरत हो जाती है एकदम नाकाम हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लड़के लोग को अगर एक लात भी मारा ना तो वो रिटर्न उठ के आने के चांसेस है, तो वो पहले कोशिश करेगा कि लड़के लोग को मैं मार के कोने में करवा दूं, चाहे मेरे हाथ में कुछ वतन हो उससे ही, चाहे हाथ से किससे भी मैं चाहूँ उन लोगों को चोरी कर दूं, या तो मैं चुपचाप फटफट चोरी करके भाग दूं। तो अगर चोरी करके भागने का ऑप्शन नहीं है और ऐसा है कि मैं उन लोगों को नॉक डाउन करूँ लड़कों को, तो मेरे हिसाब से नॉन मार्शल आर्टिस्ट को या जो एकदम नॉर्मल बंदा है, मेरे भाई लोग जो है उनकी बात करना, तो वो लोग को ये करना चाहिए ना, लड़की लोग जो भी है जनरली बंदे को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से ना, कि जो लड़के का जो वीक पॉइंट होता है ना, एक लड़के का वीक पॉइंट क्या होता है, ग्रोइन, ये वीक पॉइंट होता है, नेक वीक पॉइंट होता है, आंखें वीक पॉइंट होती है, जितना जल्दी हो सके और जितना इजी तुम्हारे लिए हो सके, पटरी मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो इजी हो सके उस हिसाब से ना अटैक करें, अटैक करें, अटैक में तुमको हाथ घुमाना जरूरी नहीं है, सीधा आंख में हाथ आए, आंख में उंगलियां डाल दिए और तुम्हारा हाथ अगर उसने पकड़ लिया तो हाथ पकड़ लिया तो तुमको पूरा घूम के करने का जरूरत नहीं है, दो लाख के बीच में जगह दिख रही है सेंटर लाइन पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुमको सामने वाले को जो फाइट है तुम्हारी वो खत्म करनी है, क्योंकि वो चोर है, तुम नहीं बोल सकते कि वो अपने जेब में से कौन सी चाकू निकालकर तुमको मार दे, तुम नहीं बोल सकते क्या चीज निकल के, उसे खेलना नहीं है, उसको खत्म करना है थोड़ा।
तो मेरे हिसाब से ना कि वीक पॉइंट अगर क्योंकि देखो अभी मैं ये तो जाहिर सी बात है जावेद भाई ने बोल दिया कि रहनी चाहिए चीजें जिससे तुम दूर से मार सकते, इसका मानना है कि दूर से फेंक कर मारना है। सब बोल रहे हैं कि दूर दूर रहकर करना है, लेकिन क्लोज आ गया तो क्या करेगा, तो क्या करेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर क्लोज आ गया तो उस वक्त ये सारी चीजें कर सकता, फिर उसके बाद में फिर नॉकआउट कर दिए, उसके बाद में फोन करके पुलिस को बुला सकते हैं, फिर उसके बाद में भाई के अपन बता सकते हैं, पड़ोसी भी आ सकते हैं, पांच से उसको रखो, उसको वैसे ही छोड़ो मत, मालूम पड़ा हम लोग अगर वो फोन करने गए और फिर से किसी लोग कॉन्शियस हो गया क्या कुछ किया, तो ये चीज मेरे सबसे अच्छा रहेगा कि सबसे पहले अपने आसपास में जो लोग है ना उनको पहले अलर्ट करो, उनको बुला, उनको आवाज देके करके बुला, मेरा हम लोगों का तो यही मानना है। और सबसे मेरा ना मेरे सबसे कॉन्शियस माइंड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग में डालोगे उतना खत्म हो जाएगा। एक ऐसा हुआ था इंसिडेंट के हम लोग का एक फ्रेंड था, उसने बताया तुम भी तो खा रहे वो टाइम पे याद है ना, उसका वो गया था सामने डोर, उसने खोला नॉक किया किसी ने डोर खोला तो एकदम ऊंचा तगड़ा आदमी आया सामने। अच्छा याद दिलाया, उसने क्या किया था कि सामने वालों को उसने जब भी नॉक करके जब आया ना भाई, वो डरा नहीं, बोले क्या है ये, तो बोला कि अरे भाई बोला आपका ये ना दरवाजा है बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोले नजदीक में आके बात मत कर, जो भी दूर दूर रहे और बात कर। और फिर उसने ऐसी मतलब वो डरा नहीं बंदा, मैं जो फ्रेंड है डरा नहीं, और बोला कि भाई तो यहाँ पे दिखना मत, तो न तो फिर तेरे को यहाँ पे मार भी सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता, यहाँ पे तू निकल जा, और फिर न तो फिर पुलिस में मैं फोन करके भी बोला था पुलिस को, उसने ऐसा बोला था सर, मतलब डरा नहीं डरा था, ये होना चाहिए कि अपने आप उसने देखा ना जब कि ये डर रहा नहीं है तो सामने वाला वो खुद डर गया कि नहीं भाई कुछ तो है कुछ तो है करके, तो ये एक है कि शायद अकेला नहीं है बंदा, अंदर और कोई है, क्योंकि ये डोर पे ही था, ये डोर पे एक्चुअली सीन हुआ था राइट, वो अंदर आने जा रहा था तो उसने पुश किया उसको, तो ये बड़ी बात है। तो इतना जिगर अपने में रहना चाहिए, मेरा भी ये मानना है लोगों का कि इतना जिगर रहना चाहिए, अगर कोई अनोन अगर घुसने जा रहा है ना तो उसको पुश कर क्या है बोल के एकदम से वो करो, घर से बाहर रहो, बाहर रहो दूर से भाई, जो भी है दूर से बात कर, नजदीक आने देने का नहीं, फिर बाद में तो अपन चालू कर देने का, अगर माना नहीं तो ओके नहीं, तो भाई पंच मार सकते ना, पंच धक्का दो ग्रॉइन का, जैसे तू बताया कि भाई सेंटर लाइन पे मार सकते हैं तो कुछ तो कर सकते ना भाई, डिफेंस के लिए बचाव के लिए अटैक कर सकते हो ना, कि भाई सामने वालों को नॉकआउट करो, फिर उसके बाद में बांध दो, कॉल करो पुलिस में इन्फॉर्म करके। और लेकिन ये जो सिचुएशन थी ना इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे सिचुएशन में अगर सामने वालों को अकल दिया ना, जो बात कर रहे हैं जो बताया कि उसको डरना ही चाहिए, तो ऐसे में ना अपने लोग डरे नहीं, सामने वाले को डरा है, तो ऐसे में जो डरा चिल्ला के शेर बन के क्या बात कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात क्या, ताकि आजू बाजू के दो दरवाजे खुल जाए, तो बोले क्या हो रहा है, बोले सपोर्ट हो जाएगा, इंसान को सपोर्ट मिल जाएगा कि ताकि बाजू वालों के नेबर बोले तो उसको ले, अरे भाई देखो ना डोर पे आ गया डायरेक्टली अंदर जाने आ रहे थे, हम बोल सकते हैं सपोर्ट मिलता है, ये भी एक अच्छी चीज है कि लाउडली बात करे उससे, तो ये ज्यादा ताकि वो और थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो ये हम लोग चारों जन का ये थॉट हम लोग ने जो शेयर किया है, हम इसकी जो खास टॉपिक थी हम लोगों की ये इसलिए थी क्योंकि हम लोग ने जब आउटडोर वीडियो बनाया ना जो, तो काफी लोगों ने पूछा भी और हमारे दिमाग में भी आया कि इंडोर के लिए फिर क्या है अगर कोई आता है तो खासकर हम लोग ये टॉपिक को लेकर बैठे, आजकल चोरी वगैरह वैसे भी बहुत हो रही है खासकर अपने एरिया साइड में, ठीक है लॉकडाउन वगैरह है तो भाई कोई ना कोई बेचारा कोई जो चोर नहीं है वो भी मजबूरी में कर रहे कुछ चीजें, पैसे ऐसे नहीं है तो क्या करेगा उस हिसाब से, तो ये चीज हम लोगों के माइंड में, तो इस वजह से खास हम लोगों का मकसद ये था कि ये चीज लेके आपको ये रखना कि अलर्ट रहो, खास ये कोई ट्यूटोरियल देने के लिए नहीं था ये वीडियो जो था, आज की जो वीडियो है कुछ मतलब कुछ सिखाने का है कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में कैसा किस तरह अपने आपको डिफेंस करना है इसके ऊपर आज ये टॉपिक पे बात उठाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, पसंद ना आए तो डिसलाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार इन तीनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, कमेंट करे, और हाँ, भाई सब्सक्राइबर करे तो थोड़ा वो बोलने का ना भाई, मेरा माइलस्टोन है 10,000 सब्सक्राइबर करना है मेरे को, तो थोड़ा
तो थॉट हमारे जो दिमाग में जो डिफेंस का था वो हम लोग ने शेयर किए। अगर आप किस तरह से अपने आप को डिफेंस करो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।